प्राचीन द्वारका जिसके बारे में कहते हैं कि उसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, आज वो समंदर में डूब गई है। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुंदर के भीतर जाकर बहुत गहराई में चला गया और भीतर जाकर मुझे उस समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका, उसके दर्शन करने का और जो अवशेष हैं उसे स्पर्श करके जीवन को धन्य बनाने का, पूजन करने का, वहां कुछ पल प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे मन में लंबे अरसे से ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की बसाई उस द्वारिका भले पानी के भीतर रही हो, कभी न कभी जाऊंगा, मत्था टेकूंगा। और वो सौभाग्य आज मुझे मिला। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के बारे में पढ़ना, पुरातत्वविदों की खोजों को जानना, ये हमें आश्चर्य से भर देता है। आज समंदर के भीतर जाकर मैंने उसी दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उस पवित्र भूमि को स्पर्श किया। मैंने पूजन के साथ ही वहां मोर पंख को भी अर्पित किया। उस अनुभव ने मुझे कितना भाव विभोर किया है, ये शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल है। समंदर के गहरे पानी में मैं यही सोच रहा था कि हमारे भारत का वैभव, उसके विकास का स्तर कितना ऊंचा रहा है। मैं समुद्र से जब बाहर निकला तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ साथ मैं द्वारका की प्रेरणा भी अपने साथ लेके आया। विकास और विरासत के मेरे संकल्पों को आज एक नई ताकत मिली है, नई ऊर्जा मिली है। विकसित भारत मेरे लक्ष्य से आज दैवीय विश्वास उसके साथ जुड़ गया है। साथियों, आज भी यहां 48,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स आपको और पूरे देश को मिले हैं। आज न्यू मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। इससे गुजरात से कच्चा तेल सीधे हरियाणा की रिफाइनरी तक पाइप से पहुंचेगा। आज राजकोट सहित पूरे सौराष्ट्र को रोड, उसके ब्रिजेज, रेल लाइन के दोहरीकरण, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अनेक सुविधाएं भी मिली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब एम्स भी
राजकोट को समर्पित है और इसके लिए राजकोट को, पूरे सौराष्ट्र को, पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई। और देश में जिन जिन स्थानों पर आज ये एम्स समर्पित हो रहा है, वहां के भी सब नागरिक भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज का दिन सिर्फ राजकोट और गुजरात के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी ऐतिहासिक है। दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का हेल्थ सेक्टर कैसा होना चाहिए, विकसित भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर कैसा होगा, इसकी एक झलक आज हम राजकोट में देख रहे हैं। आजादी के 50 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में। आजादी के 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मंजूरी दी गई, लेकिन वो भी कभी पूरे नहीं बन पाए। और आज देखिए, बीते सिर्फ 10 दिन में, 10 दिन के भीतर भीतर 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसलिए ही मैं कहता हूं कि जो 6-7 दशकों में नहीं हुआ, उससे कई गुना तेजी से हम देश का विकास करके देश की जनता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 200 से अधिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेडिकल कॉलेज हैं, बड़े अस्पतालों के सैटेलाइट सेंटर हैं, गंभीर बीमारियों के लिए इलाज से जुड़े बड़े अस्पताल हैं। साथियों, आज देश कह रहा है, मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी पर यह अटूट भरोसा क्यों है, इसका जवाब भी एम्स में मिलेगा। मैंने राजकोट को गुजरात के पहले एम्स की गारंटी दी थी, 3 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने पंजाब को अपने एम्स की गारंटी दी थी, बठिंडा एम्स का शिलान्यास भी मैंने किया था और आज लोकार्पण भी मैं ही कर रहा हूं। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने यूपी के रायबरेली को एम्स की गारंटी दी थी, कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। मैंने रायबरेली एम्स का 5 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने पश्चिम बंगाल को पहले एम्स की गारंटी दी थी, आज कल्याणी एम्स का लोकार्पण भी हुआ। आपके सेवक ने गारंटी पूरी कर दी। मैंने आंध्र प्रदेश को पहले एम्स की गारंटी दी थी, आज मंगलगिरी एम्स का लोकार्पण हुआ। आपके सेवक ने वो गारंटी भी पूरी कर दी। मैंने हरियाणा के रेवाड़ी को एम्स की गारंटी दी थी, कुछ दिन पहले ही 16 फरवरी को उसकी आधारशिला रखी गई है। यानी आपके सेवक ने ये गारंटी भी पूरी की।
बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने 10 नए एम्स देश के अलग अलग राज्यों में स्वीकृत किए हैं।